सरकार का तो अंधी है, सरकार कुछ नहीं देखा। सरकार कहती है हमारी जमीन है, अरे उनका जमीन नहीं तो पहले कहाँ चला, अगर हमारे घर रहा का एक एक पैसा जोड़ के रिक्शा कमा के तब घर बना है और तुम तोड़ ले आए गए हो। घर गिर गया, मैं अपने बच्चों को कहाँ ले जाऊं? इसके बल्दे हमको रहने का जगह दिए कहीं, तब घर तोड़ा जी ने तोड़ा नहीं जाइए। कहाँ जाए, किसके पास जाए, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। आपसे थोड़ी रह रही है, खून पसीना जलाए के इतना घर बनावा गवा है। ना नोटिस दी, ना कुछ ना दी, बस आया किसी ने पूछा ना जांचा, बस चिन्ह लगा चले गए भर भर बाग। सरकार एक तरीके से मान लीजिए गुंडागर्दी कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अफजल और आज हम मौजूद हैं इंद्रप्रस्थ नगर में। लखनऊ का ये वो इलाका है जहाँ पे कुछ समय के बाद बुलडोजर चलने वाला है। कहा जा रहा है बस्ती अवैध है और यहाँ की जनता का कहना है कि हमारे पास इस बस्ती की रजिस्ट्री, कागज, डॉक्यूमेंट सभी कुछ है। और सवाल यही है कि आखिरकार इन बस्ती वालों के ऊपर, इन गरीब जनता के ऊपर जब बुलडोजर चल जाएगा तो ये जनता जाएगी कहाँ? मैं यहाँ की जनता से बात करूँगा कि यहाँ की महिलाएं क्या कहना चाहेंगी। आंटी जी, आपका भी यहाँ पे मकान है? मेरा मकान है, हम लोग का रजिस्ट्री करवावा अगर खरीदा कर आज से 35 साल पहले, आज के हो भी ना 35 साल पहले खरीदा कर रहा, आज बुलडोजर चल रहा है और पूरा 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 कागज है हम लोग के पास। कई साल से आप लोग यहाँ? 35 साल से हम लोग के रजिस्ट्री है, 35 साल से नहीं। अच्छा, 35 साल के हमारे कागज है, घन छीन रहे तो क्या करेंगे हम? 35 साल से हम लोग रह नहीं, 35 साल के हमारे सबका घर है, आज से थोड़ी रह रही है, खून पसीना जलाए के इतना घर बनावा गवा है। क्या काम वाम क्या करते हैं आप लोग? हम लोग तो दूसरे के घर का काम करी था, खाना बनाए थे, कोई कुछ करता है, ये मेरे के हम लोग पैसा बटोर के काम किन गए हैं। हम लोग को ना कोनो भी हम लोग है कि हम लोग के पास नौकरी रहे, कोई नौकरी तो रही है नहीं, और यही नहीं कि हम लोग बहुत महल खरीदा गया, छोटा छोटा घर खरीदा गया है, वह कहते वो सरकार छूने लेती है, वह ले लेते तो हम लोग कैसे रहे, कौन में अपने बच्चन का पलबे, कौन में रहे हम लोग? सरकार का तो अंधी है, सरकार कुछ नहीं देखा। सरकार कहती है हमारी जमीन है, अरे उनका जमीन नहीं तो पहले कहाँ चला, अगर हमारे घर रहा का। आपका नाम क्या है आंटी? हमारा सावित्री देवी। आप भी यहीं पे रहती हैं? हाँ, इंद्रप्रस्थ में नगर रहते। अच्छा। थे हमारा मकान है ये। नोटिस वोटिस कुछ ना आया, कुछ नहीं ना नोटिस दी, ना कुछ ना दी, बस आया किसी ने पूछा ना जाँचा, बस चिन्ह लगा चले गए भर भर बाग, और कुछ नहीं पूछा जाता। किस लिए किस लिए तो कहें हमसे ना पूछो, जाइए स्टैंड से पूछिए जाए आप। तो क्या चाहिए इस टाइम से पूछे, यहाँ तुम जवाब ना दे तो वहाँ तो काम करे तो आप पे तो जवाब दे, कोई दूसरा जवाब देगा कहा? क्या निशान लगाने ले दिया मकान में यहाँ बस, और कुछ नहीं, एक एक पैसा जोड़ के रिक्शा कमा के तब घर बना है और तुम तोड़ ले आए गए हो, इसके बल्दे हमको रहने का जगह दिए कहीं, तब घर तोड़ा जी ने तोड़ा नहीं जाइए। अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है? इतना बड़ा घर बनाने में हम लोग की जो लाले पड़ी है ना, इंसान जवानी से बुढ़ा गए हैं, और क्या हालत है इस औरत की ये पूछिए इनसे, जो उस जिस नहीं आप, ये मेरी सास है। अच्छा। ये मेरी सास है। साल से आप लोग यहाँ पे हैं? हमें तो हो गया 19 साल, बाकी माँ से पूछ लीजिए, हम तो शादी करके जब आए थे 19 साल हो गए हमें। ये क्या है? ये हिस्ट्री है। अच्छा। देखिए ये हम लोग का खुद का घर का पूरा कागज है, फिर भी लोग अवैध बना रहे हैं, आप बताइए अवैध कहाँ से हुआ? एलडीए की टीम भी आई थी, एलडीए के टाइम आई थी और कुछ बताया नहीं, चिन्ह लगा के चले गए, इतनी फोर्स लेके आए थे, इतनी डंडा डंडा लेके आए थे, मार खिलाते, लेडीज पुलिस भी आई थी, जेंट्स पुलिस भी आई थी, सारे लोग आए। आगे आइए, आगे आइए। किस लिए वो? ये क्या है? ये मेरी रजिस्ट्री है भैया जी, मैं लोन ले चुकी हूँ इसलिए हमारे पास ये है, ये खतौनी है यहाँ की। तो यहाँ पे कौन आपको कौन जानकारी दे गया कि जो है अभी बुलडोजर चल जाएगा आपके मकान वकान खाली? वही सब बोल रहे थे भैया, तभी वहाँ पहले निशान लगाया, फिर परसों वहाँ लगा के चले गए हैं, तो कहीं बुलडोजर गिरा दिया जाए। हाँ? और बोल भी कुछ नहीं रहे, हम लोग पूछ भी रहे हैं तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। अच्छा। हाँ, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो आप लोग कहीं बड़े साहब के पास गए हो या कहीं? हम अभी किसी साहब के पास नहीं, हम लोग किसी साहब के नहीं गए, वो इतनी धमकी दे गए हैं कि कहीं जाओगे तो तुरंत बुलडोजर चल जाएगा, वो हम लोग कहीं नहीं गए, हम खाली खतौनी ये कागज लेके इधर उधर भटक रहे हैं, और कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, हम नहीं पहुँच पाएंगे ना, इतना साइडों बैठाए होंगे कि हम लोग को वैसे ही मार देंगे, हम लोग को वैसे ही गोली से उड़ा देंगे, वहाँ तक कोई पहुँचने ही नहीं देगा हम लोग। तो गरीब आदमी दिन में ठेला लगा कमाते खाते, कहाँ जाएंगे, कहाँ लेके जाएं, और ये घर गिर जाए, मैं अपने बच्चों को कहाँ ले जाऊं, मैं कहीं दुकान नहीं ले पाई, आज भी ठेले पे हमारा आदमी
चाय बेचता। 62 साल की उम्र है, क्या चाय की? चाय का जी हाँ, 62 साल की उम्र है, बुढ़े आंखों से दिखाई नहीं देता, शुगर अलग से है मेरे। मुझे साल हो गया आपको यहाँ पे हमको हो गया 35 साल हो गया। मैं गोल मार्केट में थी, तब वहाँ में गोल मार्केट में चाय के ठेला के, वहाँ से मैं पैदल आता हूँ, रात में साइकिल से लेना तो कहूँ गिर पड़ू मर जाऊँ, इसलिए पैदल वहाँ से आता हूँ यहाँ पे। देखो मेरा जब घर चला जाएगा तो मैं रहूँगा, ये बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? अब तो मेरी उम्र नहीं बनाने की, अब तो कहीं नहीं बना सकता, झोपड़ी रखने के लिए जगह कहीं नहीं मिल सकती है। हैं, तिनका जोड़ के ईंटा एक एक जोड़ के मैंने घर बनाया है, अब बताओ मेरा ऐसा चला जाएगा तो तुम तुरंत हार्ट अटैक से मर जाऊँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इंद्रप्रस्थ नगर में यहाँ की जनता अपनी रजिस्ट्री भी दिखा रही है, इनका कहना है कि हमारे पास रजिस्ट्री भी है यहाँ की ज़मीन की, लेकिन यहाँ पे एलडीए की टीम आने के बाद यहाँ के लोगों से कहती है कि कुछ समय के बाद आपके मकानों पर बुलडोज़र चल जाएगा, और छिन वगैरह भी लगा गए हैं, छिन लगा दिया गया है। दूसरी तरफ इनका कहना है कि हम लोगों को इतना मौका नहीं मिला कि हम किसी अधिकारी से बात कर लें, 500 पुलिस टीम के साथ में यहाँ पर आके छिन लग जाता है, कोई सही से जानकारी नहीं होती है, कोई सही से इतला नहीं दी जाती है। ये महिलाएं बाकायदा अपनी रजिस्ट्री लिए खड़ी हैं, जो कह रहे हैं 20 से 30 साल पुराने हम लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। कुछ लोगों का कहना है हमारे पास बिजली का बिल भी है और पानी का बिल भी हम भरते हैं, अगर इस तरीके से अवैध ये कॉलोनी थी तो हमारे ऊपर पानी का बिल और बिजली का बिल कैसे आ रहा है? इस जनता का कहना है अगर ये अवैध कॉलोनी है तो ये रजिस्ट्री कहाँ से आ गई है? तो ये जनता का दर्द कौन सुनेगा? क्या नाम है भाई साहब आपका? राजकुमार कश्यप। आपको पता है कि एलडीए की टीम यहाँ एलडीए की टीम आई थी यहाँ पे, फोर्स लेके आई थी, और उन्होंने कुछ बताना नहीं चाहा, और पूछने पे उन्होंने मना कर दिया कि हमसे मत पूछो, एडीएम साहब से पूछो जाके। अच्छा। और घरों पे निशान लगाते हुए वो चले गए। कितनी बड़ी टीम, कितने लोग आए थे यहाँ? कम से कम इसमें 400-500 पुलिस वाले थे। अच्छा। किसी से बात करने का किसी से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ, पूछने पर वो कहने लगे डीएम साहब से पूछो जाके, यहाँ पे हम नहीं बता पाएंगे। जो नहीं, कोई नहीं गया, क्योंकि वो उनका कोई पता ही नहीं है कहाँ पे मिलेंगे। उन्होंने बताया कि रहीम नगर में जाओ, रहीम नगर में एडीएम साहब बैठे हुए हैं। रहीम नगर में कुछ लोग गए, वहाँ पे पता किया तो वहाँ पे एडीएम साहब मिले नहीं, लौट के वापस चले आए, जब तक के यहाँ पे निशान लगा के सब लोग जा चुके थे, और वो किसी से ना मिलना चाह रहे हैं ना किसी का सुनना चाह रहे हैं। साहब नहीं मिलना चाहते, एडीएम साहब नहीं मिलना चाह रहे हैं, वो एडीएम हाँ एडीएम साहब वो मिलना नहीं चाह रहे हैं। सारे लोग गए थे यहाँ, हाँ गए थे वहाँ पे, मगर वहाँ पे किसी का सुन नहीं रहे हैं, ना तो वो सुन रहे हैं ना तो वो कुछ कहने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आपका नाम क्या भैया? आलोक कश्यप। आलोक, आपका भी मकान यहीं पे, क्या करते हैं आप? अभी तो मैं फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्या कुछ कार्रवाई वगैरह चल रही है, पता है आपको? सरकार की क्या कार्रवाई चल रही है, किस प्रकार से काम कर रही है, कुछ पता नहीं। सरकार एक तरीके से मान लीजिए गुंडागर्दी कर रही है, कह रहे हैं कि बुलडोजर चल जाएगा, आपके मकान अवैध हैं यहाँ पे, सभी के पास रजिस्ट्री है, हाउस टैक्स है, सारे तरीके के जितने भी बिल पेमेंट कर रहा है सब कुछ है, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि हाँ अवैध है, किस हिसाब से अवैध बता रहे हैं ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पूछने की बहुत कोशिश किया कि मतलब आप बंधे के उस पार से जो है निशान ले रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं भाई? 50 मीटर की आप दूरी ले रहे हैं, नाला दिखा रहे हैं, कितना चौड़ा पहले था ये? वो तो जितना चौड़ा उससे कम पहले चौड़ा था, अभी तो उधर देखिए नाला नहीं, नदी है। नहीं नदी नहीं है, वो तो नदी अब बोलने लगे, नदी नहीं थी ये नाला ही था। अच्छा। नाला ही के रूप में ये चल रहा था पर हमेशा से यही चल रहा था, मगर अब वो नदी के रूप में उसको तब्दील कर रहे हैं। बस मैंने पूछने की कोशिश किया मतलब आप निशान कहाँ से कहाँ तक ले रहे हो, पर वो बताने के लिए तैयार नहीं है, बस वो यहाँ पे निशान लगा रहे हैं, वहाँ का कुछ नहीं पता कि वहाँ कहाँ से नापी कर रहे हैं।